देखा। हम खजियार से डैनकुन ट्रैक पे गए थे। वहाँ का ट्रैकिंग एक्सपीरियंस और माता पहलानी देवी मंदिर का दर्शन आपके साथ शेयर किया था। वापसी में हम कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी विजिट किए थे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कालाटॉप सेंचुरी को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटी का मज़ा ले सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप डलहौसी से आ रहे हो तो कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। बकरोटा व्यू पॉइंट से 4 किलोमीटर बाद आपको एक डाइवर्जन नज़र आएगा। राइट में डैनकुन पिक का रास्ता है और लेफ्ट वाली रोड को फॉलो करके हम खजियार से कालाटॉप जा सकते हैं। यहाँ पे हमें एक चेक पॉइंट मिलेगा। अगर आप खजियार जाना चाहते हो तो आपको 100 रुपीज़ का एक पर्ची लेना पड़ेगा और कालाटॉप के लिए 250 रुपीज़ का पर्ची लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक करके जाना चाहते हो तो कोई भी एंट्री फी नहीं लगेगा। इस चेक पॉइंट से हम लेफ्ट वाले रास्ते को फॉलो करके आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से कालाटॉप का दूरी 3 किलोमीटर है। क्योंकि हमने खजियार से टैक्सी बुक किया था तो हम गाड़ी से ही जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डलहौसी का मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो रावी नदी के गहराई में स्थित है। जंगल में घने बड़े बड़े देवदार के पेड़ हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों के वन्य जीव जैसे कि तेंदुआ, भालू, लंगूर, सियार, हिरने और 117 से अधिक प्रजातियों का पक्षी आपको देखने को मिलेगा। इस सेंचुरी को कालाटॉप इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे घने घने देवदार के पेड़ों के लिए ज्यादातर हिस्सों में सूरज का रोशनी पहुँच नहीं पाता। वैसे तो साल के किसी भी समय आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन सितंबर से मार्च तक अगर आप आते हो तो मौसम बहुत ही अच्छा होता है। सर्दियों में यहाँ पे आप बर्फ का मजा भी ले सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन आप यहाँ पे आ सकते हैं और सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक सेंचुरी ओपन रहता है। ये सेंचुरी का मेन गेट है। एंट्री यहाँ पे फ्री है। एंट्री के राइट हैंड साइड में एक सोवेनियर शॉप है, जहाँ से आप वाइल्ड नेचुरल प्रोडक्ट लाइक हनी, राजमा वगैरह खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कालाटॉप रेस्ट हाउस पे भी स्टे कर सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको चंबा ऑफिस से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है, आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप आए खजियार। तो ये सनसेट पॉइंट है। अगर आप शाम को यहाँ पे आते हो तो आपको उस पहाड़ों के पीछे खूबसूरत सनसेट का नज़ारा देखने को मिलेगा। हमने यहाँ के अलग अलग जगहों पे कुछ सिनेमेटिक क्लिप्स को कैप्चर किया है। दोस्तों, हम इस कालाटॉप सेंचुरी से 3 ट्रैक कर सकते हैं। लक्कड़मंडी से कालाटॉप फॉरेस्ट को हम आ सकते हैं, कालाटॉप से रॉक गार्डन का ट्रैक हम कर सकते हैं और यहां से हम खजियार को भी जा सकते हैं। बोर्ड पे हम देख सकते हैं यहां से खजियार का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। यहां के ऑफिशियल को पूछने से पता चला खजियार ट्रैक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते के दोनों तरफ देवदार और पाइन के घने पेड़ देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने इस ट्रैक को करने के लिए हमें मना किया है क्योंकि जंगल में जानवरों के साथ आप लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। आप चाहो तो कुछ किलोमीटर का ट्रैक गाइड के साथ भी कर सकते हो। हमें नीचे कुछ शॉप और घर दिखाई दिया तो हम नीचे की तरफ बढ़ते गए। दोस्तों, इस जगह पे बॉलीवुड की 2 फिल्म के कुछ पार्ट को फिल्माया गया था। एक रिमझिम रिमझिम 1942 ए लव स्टोरी का सॉन्ग है और दूसरा रणवीर सिंह का लुटेरा फिल्म को भी यहाँ पे शूट किया गया था। नीचे जाके पता चला वहाँ पे एक एडवेंचर पार्क है, जहाँ हम अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे कि जिप लाइनिंग, यू ब्रिज, टायर ब्रिज, नेट ब्रिज एक्सेट्रा कर सकते हैं।
यहाँ पे टेंट लगा के भी रह सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पहले से परमिशन लेना पड़ेगा। होम स्टे का फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसके लिए आपको 1000 से 1500 तक खर्चा करना पड़ेगा। हमने कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं किया, हम गरम गरम पकौड़ा और मैगी के साथ यहाँ के सुंदर मनमोहक व्यू का मज़ा लेने के बाद वापस खजियार होटल पे चले आए।